हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में कुछ चीजें आदमी को बहुत सेटिस्फेक्शन देती हैं। मैं पिछले 6 महीने से ऑनलाइन भी और क्लासेस में भी ये बोलता रहा था कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें। कई लोगों ने माना भी, उसका उन्होंने फायदा भी उठाया, लेकिन बहुत लोगों ने इस बात को इग्नोर भी किया। इस बात का मुझे थोड़ा कंप्लेंट भी है, लेकिन जो भी हो फ्रेंड्स, जो वीआईपीएम की जो मेथडोलॉजी रही है, जो एक टीचिंग फिलॉसफी रही है, एसएससी और आरएस दोनों, और बैंकिंग तो पहले से ही कह रहा हूं कि अब उसी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि बच्चे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट और सेंस बिल्डिंग हो, लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह डेवलप हो, ना कि एक सिलेबस का कुछ पार्ट रटके और जाए एग्जाम में। जिस तरह से इंग्लिश का पेपर आया, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, इन चीजों को तो हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, यही हमारी फिलॉसफी है, टीचिंग फिलॉसफी है, यही हमारा विजन है, जो कि अब सरकारों ने भी रियलाइज कर लिया। जो हमने 15-20 साल से एफर्ट्स डाल रहे थे, अब सरकारों ने भी ये रियलाइज किया है कि सिलेबस के कुछ पार्ट्स रट करके बच्चा जो है सेलेक्ट नहीं हो सकता। अब उसको पूरी तरह इंग्लिश को डेवलप करना होगा, अपने अंदर ग्रो कराना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स, मेरे जो भी स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, जो भी सीनियर स्टूडेंट वीआईपीएम के, सबके लिए एडवांस क्लास, फ्री एडवांस क्लास चलाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, पैरा जम्बल बेस्ड, क्योंकि ग्रामर का कॉन्सेप्ट तो आप जान ही गए हो, और जो न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं या जो कॉम्प्रिहेंशन कराता हूं उसमें एक एक रूल को उसमें समावेशित एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी एक तरह से रिवाइव हो जाएंगे सारे रूल्स, और वोकैबुलरी को स्प्लिट करके याद करवा देंगे। इस तरह मेरे सभी सीनियर स्टूडेंट्स वीआईपीएम के जो कभी भी पढ़ा हो, एडवांस क्लास का फायदा उठाएं। सुबह 7 से 8, याद रखिए, सुबह 7 से 8 और शाम को 6:30 से 7:30, ये 2 टाइमिंग आपके लिए रखा गया है एक्सक्लूसिवली। तो मेरे सभी वीआईपीएंस उठो, जागो, और होली के बाद वीआईपीएम कैंपस आओ और एडवांस प्रोग्राम का लाभ उठाकर अगले एसएससी को क्रैक करने के लिए अपने को तैयार करो। एक बार फिर से टाइमिंग बता रहा हूं, सुबह 7 से 8, शाम को 6:30 से 7:30, होली के जस्ट बाद। मुझे उम्मीद है कि अभी जो लोग, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उनको मेरे तरफ से बेस्ट विशेस, और जिनका अभी होने वाला है उनको भी बेस्ट विशेस, उनके परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट विशेस कि आप बहुत अच्छा करेंगे, और साथ ही होली की भी शुभकामनाएं। होली के कलर के साथ साथ आपके परफॉर्मेंस का कलर मैच हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।